दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पूरा परिवार भी ठीक ठाक होगा। तो आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों अपने किसान भाइयों के ऊपर, जो केंद्र सरकार ने उनकी बातें मान ली हैं और जो कानूनों को रद्द कर दिया है उसके ऊपर। और मैं तारीफ़ करता हूँ केंद्र सरकार की भी और अपने किसान भाइयों की भी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लाइक करें, ताकि आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और आप सबके प्यार और सपोर्ट को पा करके मैं नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पंजाब में किसान भाइयों का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो कानून केंद्र सरकार ने रद्द कर दिए हैं वो बहुत अच्छी बात की है। हालांकि एक साल ये संघर्ष चला है दोस्तों, और इस संघर्ष में जो हमारे 750 किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, और तहे दिल से जो है उनको मतलब अपना सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उनकी शहादत जो है रंग लाई और ये कानून जो है वो रद्द हुए। आप सोच करके देखिए दोस्तों, एक साल हमारे किसान भाई वहां कैसे रहे। ठंड भी थी वहाँ, गर्मी भी थी, और खाने पीने की हालांकि वहाँ कोई कमी नहीं थी, खाना पीने का सब इंतज़ाम वहाँ था, लंगर आता था वहाँ बकायदा। तो हमारा पंजाब मशहूर है दोस्तों हर एक बात में, और हमारे पंजाब के अंदर जो 10 गुरुओं का प्रताप है उसे हम भला कैसे भूल सकते हैं। हमारे पंजाब के ऊपर 10 गुरुओं की जो कृपा है वो सदा बनी रहे, यही मैं आग्रह करूँगा अपने परमात्मा जी से और अपने बाबा जी से। और उन 10 गुरुओं को भी मैं याद करता रहता हूँ दोस्तों, उन्हीं 10 गुरुओं के नक्शे कदम पर बताए हुए पर मैं चल रहा हूँ। हालांकि मैं उन 10 गुरुओं के पैर की मिट्टी भी नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैंने जो YouTube के ऊपर अपना ये चैनल खोला है इसके अंदर मैं अपना अहम योगदान दूंगा, और जब तक मैं ज़िंदा रहूंगा दोस्तों मैं इस YouTube चैनल के ऊपर आपको वीडियो डाल करके दिखाता रहूंगा, और जो मेरे मन के अंदर विचार हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। हालाँकि पब्लिक को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, थोड़े बहुत मुद्दों के ऊपर वो बोले, जो जहाँ उसे कमियां दिखती हैं वो सरकार के पास जा कर के बात करे, या सरकार को अपनी बात जो है इंटरनेट के माध्यम से पहुँचाए। ठीक है जी, मतलब कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ पर किसानों के हैं हमारे, उनको भी मैं सरकारों से भी गुजारिश करूँगा अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कि उन मुद्दों को हल किया जाए, चाहे वो मुद्दे केंद्र सरकार हल करे दोस्तों, या फिर जो हमारी राज्य की सरकार है वो हल करे। और केंद्र और राज्य सरकारों से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो भी हमारे किसान भाइयों के साथ मिल करके चले, और जो किसान भाइयों ने हमारे ने एक नया इतिहास लिखा है और रचा है उसको याद रखें। ठीक है जी, क्योंकि किसान भाई हमारे वहाँ पर एक साल रहे उसको भी मैं नमन करता हूँ दोस्तों, और सर झुका करके मैं प्रणाम करता हूँ और बार बार करता रहूँगा। और अपने किसान भाइयों की तारीफ़ के लिए तो मेरे पास लफ्ज नहीं है दोस्तों, जितनी मैं अपने किसान भाइयों की तारीफ़ करता हूँ उतनी कम है दोस्तों। और हमारे किसान भाई वहाँ पर डटे रहे, उन्होंने हौसला नहीं हारा। ठीक है जी, और जो 750 हमारे किसान भाई शहादत अपनी कर गए हैं उसकी शहादत भी रंग लाई है दोस्तों, जो ये आंदोलन सफल होकर के हमारे किसान भाई जो है अपने घरों को लौट रहे हैं, और उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं भी करूँगा दोस्तों, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने किसान भाइयों को गले लगा करके मिलूँ, और उनके जो हमारे आदरणीय किसान हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके दोनों पैरों में माथा टेकूँ, और ये करूँगा ज़रूर मैं दोस्तों। ठीक है जी, हालांकि मेरा थोड़ा सा काम काज अस्त व्यस्त हो रहा है अभी फ़िलहाल, आपको पता ही है शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, और ये वीडियो जो मैंने बनाने का जिम्मा उठाया है, एक दो वीडियो मुझे दोस्तों रोज़ डालनी पड़ती है, और समाज सेवा के कार्यों के ऊपर मैं ज़्यादातर वीडियो ले करके आता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को कुछ समझाऊँ या ना समझाऊँ अलग बात है, लेकिन मेरे मन के अंदर जो मेरे परमात्मा और मेरे गुरु ने मुझे आत्मशक्ति दी है, जो अच्छे काम करने की मेरी ललक है, उनको मैं उजागर करना चाहता हूं। और बार बार मैं अपने YouTube वीडियो में यही कहता हूं कि मुझे राजनीति में आने का दोस्तों कोई शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है अच्छे काम करने का और सबके साथ जो है प्रेम मोहब्बत से रहने का। ठीक है जी, किसी के खिलाफ मैं बोल नहीं रहा, मेरे संविधान ने जो मुझे हक दिया है वो मैं अपना हक जो है उसको मैं उजागर करता रहूँगा, और अपने किसान भाइयों के समर्थन में भी मैं खड़ा हूँ। वो जहाँ चाहे मुझे बुला सकते हैं, मैं उनके पास आऊँगा, अगर वो चाहते हैं कि उनकी वीडियो बना करके मैं अपने YouTube चैनल पर डालूं, मैं वो भी डाल दूंगा दोस्तों। और बताइए अपने किसान भाइयों के लिए मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, जो कुछ मेरा अधिकार है मैं उसे ज़रूर अपना निर्वहन करूंगा, पूरा करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों,
और किसान भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम के नारों से मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।